मेरी टीम के जो स्कैमर्स है ना, जो दोस्तों भड़वे लोग होते हैं, कुत्ते लोग होते हैं, कमीने लोग होते हैं, दोस्तों एक रिस्की टीम तो बनानी ही पड़ेगी। एक कप्तान उप कप्तान आपको रिस्की बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग विनिंग ही नहीं कर पाओगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों क्या आप लोग भी ड्रीम इलेवन में रैंक लाना चाहते हो, लेकिन लगातार प्रयास के बाद भी आप लोग उस विनिंग टीम तक नहीं पहुंच पाते हो, उस विनिंग जोन में नहीं आ पाते हो जिसके लिए आप लोगों ने सालों साल मेहनत की हुई है? आज की इस वीडियो के माध्यम से जिस बंदे ने इस वीडियो को एंड तक देख लिया, समझ लीजिए ग्रैंड लीग के नेक्स्ट विनर आप होने वाले हो। क्योंकि दोस्तों जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई है हाल ही फिलहाल के मैचेस में, T20 के लीग्स में, ODI के लीग्स में जितना मेरा प्रॉफिट हुआ है ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई। क्योंकि जो स्ट्रेटजी होती है भाई, वो आप लोग समझ नहीं पाते हो, आप लोग पड़े रहते हो सिलेक्शन परसेंटेज, सिलेक्शन रेशियो के चक्कर में। यही गलती आपको दोस्तों भारी भरकम लॉस में ले डूबेगा। अपने ड्रीम इलेवन के स्टार्टिंग जर्नी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पेड टीम ने मुझे बर्बाद कर दिया दोस्तों। पेड टीम के जो स्कैमर्स है ना, जो दोस्तों भड़वे लोग होते हैं, कुत्ते लोग होते हैं, कमीने लोग होते हैं, इन्होंने दोस्तों पेड टीम दे के मेरा इतना लॉस करवा दिया था स्टार्टिंग फील्ड में कि मन कर रहा था कि भाई सुसाइड कर लूं। लेकिन फिर मैंने इन सभी तरीकों से निजात पाया। मैंने अपना दोस्तों खुद का सेल्फ, एक कहते नहीं भाई जब कोई रास्ता नहीं बचता तो खिड़की खोल देनी चाहिए, तो भाई मैंने वही किया। जब मेरे सारे रास्ते बंद हो गए ना, तो मैंने ड्रीम इलेवन में स्ट्रेटजी अपनाना शुरू किया। मैंने देखा कि कोई ना कोई ऐसा तरीका तो होगा ही जिसके माध्यम से ड्रीम इलेवन रैंक बनाती है। फिर दोस्तों मुझे वो सीक्रेट पता चला, क्योंकि मैंने गलतियां जो की थी उन्हीं गलतियों को मैंने सुधारा और अपने ड्रीम टीम में इंप्लीमेंट किया। फिर मैंने अपनी GL टीम में इन बातों को लिया और एक चीज तो मैंने सीखा है कि बिना रिस्क के कुछ नहीं हो सकता है। आपको रिस्की टीम बनानी ही पड़ेगी, एक रिस्की टीम अलग से बनानी पड़ेगी, और उसी के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। ग्रैंड लीग की ये वीडियो है, ग्रैंड लीग के 1 करोड़ की ये वीडियो है। अगर जिस बंदे ने वीडियो को एंड तक देखा, आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो है, इस बात की पूरी पूरी सियोरिटी है। कैसे आखिर ड्रीम इलेवन में रैंक बनाती है? दोस्तों लगातार प्रयास करने के बाद, लगातार कई सारे आप लोगों ने GL खेले होंगे, SL खेले होंगे, मेगा लीग्स खेली होंगी, T10 के मैचेस खेले होंगे, लेकिन विनिंग जोन में आज तक नहीं आ पाए। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन दोस्तों पता है क्या है? सबसे बड़ा रीजन समझ में आता है कि ड्रीम इलेवन में आने के बाद जब हम लोग विनिंग करते हैं ना, जब हम लोग विनिंग स्ट्रेटजी समझते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ओपनर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लो ऑर्डर बैट्समैन और सिर्फ बैट्समैन के पीछे ही पड़े रहते हैं। बॉलर को लेंगे तो ऐसे बॉलर को ले लेंगे भाई जिसकी परफॉर्मेंस कम रहेगी लेकिन पॉपुलरिटी ज्यादा रहेगी। यही गलती आप लोगों को ड्रीम इलेवन में भारी भरकम लॉस में ढकेलती है। दूसरी कमी, सिलेक्शन परसेंटेज। अगर आप लोग कप्तान चुन रहे हो तो सिलेक्शन परसेंटेज 50 के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप लोग उप कप्तान चुन रहे हो, वाइस कैप्टन, तो उसका सिलेक्शन परसेंटेज 10 के ऊपर नहीं होना चाहिए। आप लोग यही चीज नहीं समझते हो, आप लोगों की फॉर्मूला ही नहीं पता है। फिर आप लोग कहते हो भाई ड्रीम इलेवन सट्टा है, जुआ है, फेंक है, ड्रीम इलेवन खुद की टीम बना के जिताता है। ऐसा नहीं है भाई, अगर ऐसा होता तो ड्रीम इलेवन आज कोई ना खेल रहा होता, करोड़ों की संख्या में विनिंग होती है और दोस्तों डेली कोई ना कोई बंदा ड्रीम इलेवन से करोड़पति लखपति बनता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है उनके पास है भाई, कहते हैं ना एक साइकोलॉजी होनी चाहिए ड्रीम इलेवन में आने के लिए, एक साइकोलॉजी बना के आनी चाहिए। और आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक दो टीम बनाई, हताश हो गए, हार गए, सोचते कि ड्रीम इलेवन बेकार गेम। ऐसे काम नहीं चलता है यार, आपको अपने मन को मजबूत करके आना है। ये नहीं सोचना है कि एक ही टीम से 1 करोड़ जीत जाऊंगा, सोचिए कि मैं दिन की कम से कम 2 टीम बनाऊंगा, एक टीम मेरी रिस्की रहेगी, एक टीम बैट्समैन को एडवांटेज देकर बनाऊंगा, एक टीम में बॉलिंग को एडवांटेज देकर बनाऊंगा, एक टीम पिच कंडीशन को एनालाइज करके बनाऊंगा। भाई मल्टीपल टीम बना के फेंकोगे ना भाई, खंभा है, अब एक खंभे में आपको निशाना लगाना है, आपके पास छोटे सा एक पत्थर है, एक पत्थर से बहुत ही कम चांसेस है कि उस खंभे में निशाना लगेगा। लेकिन अगर आपके पास इतने पत्थर हैं, उठा के आप एक बार में एक खंभे में निशाना लगा रहे हो, एक पत्थर तो लगेगा ना उस खंभे में। तो सेम चीज ड्रीम इलेवन में भी होता है यार, आपको एक टीम फेंक के नहीं मारना है, आप मल्टीपल टीम क्रिएशन करो, हाँ सही दिशा में मारो, ये नहीं कि खंभा इधर है मार उधर रहे हो, तो फिर 25 पत्थर मार तो फर्क नहीं पड़ेगा। सही दिशा में मारो, सही टाइम पे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो। कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने के साथ साथ आपको पिच कंडीशन, ग्राउंड की रिपोर्ट, वेन्यू की कंडीशन, प्लेयर के स्टैट्स वगैरह सबकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन से कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो रहे हो, टाइप क्या है मैच का, T10 है, T20 है, ODI है, टेस्ट है, क्या है, इसके बारे में जानकारी ले लो। जो वेन्यू में मैच हो रहा है उस वेन्यू कौन सा जगह, वहाँ परफॉर्मेंस किसकी रहती है, इसके बारे में जानकारी ले लो। जब बाबू इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जानकारी लोगे तो ड्रीम इलेवन में विनिंग होगी। मेरा टाइम जो गया 1 साल 1.5 साल मैंने विनिंग नहीं कर पाई थी स्टार्टिंग फेज पे, लेकिन आज दौर ऐसा है कि ड्रीम इलेवन दिन की कमाई अच्छी खासी है। तो आप लोग यार ये चीज़ समझो, जब आप लोग इन चीज़ों को समझोगे ना, ड्रीम इलेवन में आपको विनिंग करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर आप लोग इन बेसिक सिस्टम को नहीं जान पाओगे, इन बेसिक तरीकों को नहीं जान पाओगे, तो फिर ड्रीम इलेवन में आपकी विनिंग नहीं हो पाएगी यार। फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, ड्रीम इलेवन भी कुछ नहीं कर सकता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो।
तो ऐसी स्ट्रेटजी को समझ के चलना है। उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने दी है समझ में होगी यार, अच्छी लगी होगी। बस वीडियो आपको इसी तरह दोस्तों लास्ट एंड तक देखते जाओ, जो जानकारियां बता दूंगा ना कहीं पूरे यूट्यूब में देखने को नहीं मिलेगी आपको। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें आप लोग, क्योंकि वहाँ पे प्रेडिक्शन वगैरह मिलता है तो आपकी काफी हेल्प होगी।